नमस्कार भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपको धात रोग के बारे में बताने वाला हूँ, धात रोग के एक औषधि के बारे में बताने वाला, एक जड़ी बूटी के बारे में बताने वाला हूँ। आप इसे जड़ी बूटी भी कह सकते हो, क्योंकि मैंने गाँव में जब से आया हूँ, मैं इस समय गाँव में आया था, तो काफ़ी बुजुर्गों से मैंने इसके बारे में पूछा, पता किया कि इसका कोई पक्का इलाज, कुछ जड़ी बूटी जो कि आसानी से मिल सके, और ऐसे लोग जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, पैसे की कमी है, दवाइयाँ वगैरह नहीं ले सकते, तो कोई ऐसी चीज़ बताई जाए कि जिनसे लोग फ़ायदा उठा सकें, ठीक हो सकें। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ऐसी जड़ी बूटी के बारे में। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखते रहें, और अगर आपका कोई सवाल रहता है, कुछ पूछना है, तो आप वीडियो के लास्ट में पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूँ, आपको दिखाता हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस जड़ी बूटी को, और इसका नाम क्या है, ये कहाँ आपको मिलेगा, ये भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा, किस तरह से इसको बनाना है, किस तरह से इसका इस्तेमाल करना है, वो सारी जानकारी आपको दूंगा। तो काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद गाँव के ही एक लड़के ने इस औषधि को तोड़ने के लिए हामी भरी, और ये उसके लिए अंदर भी गया। ठीक है, थोड़ा कीचड़ में होता है, थोड़ा यहाँ पानी लगा होता है, तो थोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन जो गांव में रहते हैं उनके लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, और लोग जो शहर में रहते हैं वो भी इसको यूज कर सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से वो यूज कर सकते हैं, कैसे मंगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है, ये सिंपल आपको आपके आसपास में कोई ताल वाला इलाका होगा, चाहे आप शहर में रहते हो चाहे गाँव में, अगर आपके आसपास में अगर ताल वाला इलाका है, तो ताल वाले इलाके में ये अपने आप ही उग जाता है। ठीक है, और इसको हम कहते हैं कमल। जी हाँ, कमल का फूल, और उसके अंदर होता है, आपको दिखाऊंगा आगे, और उसके पत्ते का भी आपका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो अभी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ पे तोड़ रहे हैं, तब तक मैं आपको बताता हूँ इसके कई सारे फायदे हैं, जैसे कि धातु रोग, स्वपन दोष, मर्दाना ताकत, यानी कई तरह की जो भी मर्दाना ताकतों की कमजोरी होती है, जो भी कमजोरियाँ होती हैं उसको ये ठीक करता है। ठीक है, तो यहाँ पर काफ़ी सारा हमने इसे तोड़ने के लिए इनको कहा, और अब इसको कैसे यूज करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो जिस भाई को हमने यहाँ पे भेजा था, वो यहाँ पर इस चीज़ को लेकर आ गए हैं, जिसको हम कमल का फूल कहते हैं, और ये कुछ इस तरह का होता है। अब मैं आपको बता दूँ, ये जो कमल का फूल होता है, इसमें आपको जो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे फूल अभी जो बनने के लिए तैयार होते हैं, आपको उसी का इस्तेमाल ज़्यादातर करना है। अगर आपको ये मिले तो बहुत बेटर है, अगर नहीं मिलता है तो आप बड़े बड़े भी ले सकते हो। ठीक है, याद रखो मैं फूल की बात कर रहा हूँ, जो ऊपर फूल आपको दिख रहा है, जो आपको दिख रहा है आसानी से, इसका आपको इस्तेमाल करना। अब चलिए बात करते हैं इसको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, तो इस्तेमाल करने के लिए आपको सिंपल, ये जो फूल है इसको अच्छी तरीके से आप जैसे घुमाएंगे, तो यहाँ पे इसके अंदर एक छोटा सा आप कह सकते हैं एक इसका फल होता है। ठीक है, कमल के अंदर एक छोटा सा फल होता है, आप देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको इसी का इस्तेमाल करना है। ये जितना छोटा रहेगा, जितना वो रहेगा, उतना ताज़ा रहेगा, खाने में आसानी रहेगा, और इसी को आपको खाना है। और अगर आप नहीं खा सकते हैं, आपके पास में नहीं है, अगर दूर से आप मंगा रहे हैं, तो आप इसको ज़्यादा क्वान्टिटी में मंगा लें, और इसको आप सुखा करके इसको पाउडर बना के रख लें। ठीक है, पाउडर बना के इस्तेमाल करें। अगर ये भी नहीं कर सकते, अगर आपके पास ज़्यादा नहीं है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इसमें जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये इसका फूल, ठीक है, अगर आप चाहें तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, करना कुछ नहीं है, इसको भी आप सिलबट्टे पे आसानी से पीस करके, सुखा करके, इसका पाउडर बना के इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये जो फूल के अंदर अभी एक मैंने आपको चीज दिखाया, इसका फल दिखाया, अगर आप इसका ताज़ा इस्तेमाल करते हैं, जाते हैं किसी ताल में आपके आसपास में लगा हुआ है, वहाँ से तोड़ते हैं, और सुबह खाली पेट इसका इस्तेमाल करते हैं, सुबह खाली पेट आपको निहार मुँह, यानी कि बिना कुछ खाए हुए, बिना कुछ पिए हुए आप अगर इस्तेमाल करते हैं, तो आपको इसको बहुत सारे फ़ायदे देखने को मिल सकते हैं। मैंने गांव में काफ़ी सारे लोगों के मुंह से सुना है इसके बारे में, कि कई लोग इससे ठीक हुए हैं। तो आप भी इस औषधि का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस औषधि के लिए आपको कोई पैसे देने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। और इसका इस्तेमाल कैसे करना है, यहाँ पर ये भाई आपको करके दिखाने वाले हैं, तो देख सकते हैं इस तरह से आपको कुछ इसका इस्तेमाल करना है, सिंपल इसी तरह से आपको खाना है। ठीक है, और अगर आप कोई सवाल है तो नीचे कमेंट ज़रूर करें।